हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट किस तरीके से हमेशा के लिए यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बस एंड तक देखते रहना। तो आपको यहाँ पर करना, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल पे यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे यहाँ पर करना पड़ेगा, क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पर करना है, पर यहाँ पर आपको यहाँ पर अकाउंट सेंटर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर कहां पर क्लिक करना है, अब आपको यहां पर क्लिक करना है। यहां पर आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहां पर पर्सनल डिटेल्स वाला, तो आपको पर एक इस पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहां पर जो भी ईमेल आईडी होगा, फोन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, जो भी होगा वो यहां पर सब कुछ यहां पर शो करेगा। इसके बाद आपको यहां पर नीचे एक अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहां पर क्लिक करना, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो एक आपको यहाँ पर सबसे नीचे वाला ऑप्शन होगा, वो यहाँ पर डिलीट एंड डीएक्टिवेशन और डिलीट वाला ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर जितना भी यहाँ पर अकाउंट होगा उसमें ऐड होगा, फेसबुक अकाउंट होगा, तो आपको यहाँ पर इसमें से अपना अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर भी दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। डीएक्टिवेशन वो है कि आप यहाँ पर कुछ टाइम के लिए अपना अकाउंट को यहाँ पर डीएक्टिवेट करने वाले हो, कि यहाँ पर आप यहाँ पर अकाउंट को नहीं चलाना कुछ दिन के लिए, तो डीएक्टिवेट यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर हमेशा के लिए अपना अकाउंट को यहाँ पर डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जैसे अपने अकाउंट को यहाँ पर डिलीट करना है हमेशा के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पर एक रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पर कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन देख रहा होगा, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करोगे, तो इसके बाद फिर से आपको पर एक बार कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे अगर शो नहीं हो रहा होगा, तो अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप करने के लिए बोल रहा होगा। पासवर्ड जैसे ही टाइप करोगे, इसके बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐसे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो आपका यहाँ पर अकाउंट जो होगा वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। जैसे ही हम पासवर्ड टाइप करेंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीट। तो अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ पर डिलीट अकाउंट लिखा होगा, इस पर करने का पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन एक बात को यहाँ पर और आप यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पर देखना, आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर 6 सितंबर को यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर 30 दिन का यहाँ पर टाइम मिलता है कि अगर आपको रिकवर करना है, तो आप यहाँ पर अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट को 30 दिन के अंदर रिकवर कर सकते हो, तो कर लेना, नहीं तो आप यहाँ पर अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाओगे। और 30 दिन बाद आपको यहाँ पर 6 सितंबर बाद यहाँ पर जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर डिलीट करना है, तो डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और आपके यहाँ पर जो भी अकाउंट होगा वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। हम यहाँ पर इस अकाउंट को यहाँ पर डिलीट नहीं करने वाले। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो।